नमस्कार, आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं तुला राशि के विषय में, इस वर्ष और अगले वर्ष तक तुला राशि के विषय में क्या क्या उन्नति होंगी, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और उन सब से अगर समस्या आ रही है तो उससे बचने का क्या उपाय है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अंत तक आप देखिए, बहुत कम समय का ये वीडियो है। शनि वक्री होकर तुला राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में है मकर राशि पर। ये मकर राशि का स्वग्रही शनि आपको भूमि, भवन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद सब देगा, लेकिन आपकी माताजी को अस्वस्थ रख सकता है। माताजी के स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना है। और अभी ये जो समय चल रहा है, पैसे का लेन देन करते समय बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कोई चेक देगा या आप उसको देंगे, वो विवाद न्यायालय में जा सकता है, आपके ऊपर FIR हो सकती है, कोई फॉल्स एलिगेशन, झूठे आरोप आपके ऊपर लगाएगा, आपका ही कोई निकटतम व्यक्ति होगा, आपका मित्र या घरेलू आदमी होगा। तुला राशि के लिए छठे स्थान में जो बृहस्पति चल रहा है, बृहस्पति गोचर में आपके शत्रुओं को प्रबल करता है। आपके जो मामा का परिवार है, माता का खानदान है, उनके लिए अच्छा है। आपके भाई बहनों की तरफ से तनाव, लेकिन एक विशेष बात यह है कि अगर आप नौकरी में हैं तो आपका स्थानांतरण, ट्रांसफर होने की पूरी पूरी संभावना है। आप रुकवाने की कोशिश करेंगे, जिन लोगों का कुंडली में शनि अच्छा है उनका रुक जाएगा, जिनका शनि खराब है उनका नहीं रुकेगा। ये जांच का विषय है, कुंडली जांचनी पड़ती है। इसके अलावा आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए, कोई भी काम जब करते हैं तो विचार करके, सोच समझ करके, मुहूर्त देख कर करें। और केतु आपको कष्टकारक फल देंगे, आपको पेट का रोग, परेशानियां, अशांति, जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं। और ग्रहों की शांति के लिए आपको बजरंग बाण का पाठ करना अच्छा रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएंगे, इनमें से कोई भी एक उपाय करें। सूर्य आपके लाभ स्थान का स्वामी है, इसलिए सूर्य नारायण को ओम आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, एक सूर्य मंत्र पढ़ करके आप सूर्य को जल दें, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद।